नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पाल में एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम एक न्यू सुंदर हैंड का एनालाइज लेके आ गए हैं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने उंगलियों से। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी जो उंगलियां हैं, जो कनिष्ठिका उंगली है वो अनामिका उंगली के फर्स्ट कोर पर पहुँच रही है दोस्तों। तो ऐसा भी देखा गया है दोस्तों, अगर ये जातक किसी से बात करते हैं, ऐसे जातक ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करते हैं किसी से, तो सामने वाले को सेटिस्फेक्शन महसूस कराते हैं दोस्तों। और काफ़ी जो है बात करने की शैली इनकी जो है काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों की बेटर होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनामिका उंगली की। तो इस प्रकार खड़े हैं, खड़ी अनामिका उंगली है, कुछ इस टाइप से निशान भी है। तो ऐसे जातक जो होते हैं दोस्तों, सामाजिक रूप से, घर परिवार रूप से काफ़ी अच्छा इनका जो है तालमेल बैठता है, किंतु एक व्यक्ति जो है ऐसे जातकों के, इनके हाथ में एक व्यक्ति का जो है थोड़ा तालमेल नहीं बैठता दिखता है। तो भी वो भी आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और ये देखिए, इस प्रकार जो है अगर किसी की भी उंगली में अगर वो स्ट्रेट हाथ करते हैं, सीधा हाथ करते हैं और ऐसा जो है गैप मिलता है, तो ऐसे जातक सोचिए दोस्तों, अगर 1 लाख रुपये ये पर मंथ कमाते हैं, जहाँ इनका 25,000 अगर खर्चा होना होता है, उसकी जगह जो है 35,000 रुपये खर्च हो जाता है। व्यय खर्च इसको कहा जाता है दोस्तों। ये सामान्य कोई ना कोई कारणवश इनके जो है व्यय खर्च होगा दोस्तों, और ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा जो है हैंड है। आगे हम काफ़ी मैंने साइनें देखी हैं और आगे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों, मध्यमा स्ट्रेट है, तो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देती है मध्यमा, किंतु इस तरफ झुकाव में है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे जातकों का जो है शनि का झुकाव सूर्य की तरफ है। तो यह जो भाग्य की भी उंगली कही जाती है, भाग्य की उंगली, अगर शनि का झुकाव सूर्य की तरफ है दोस्तों, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक भाग्य का जो पलटाव है, ये इनके सामाजिक रूप से ये भाग्य का उत्पत्ति इनका दिखाई देता है दोस्तों। सामाजिक रूप से मतलब कि जैसे घर परिवार हो गए, समाज हो गए, एक बॉन्डिंग के अनुसार दिखाई देता है। अब बात कर लेंगे दोस्तों, अगर काफ़ी उंगलियां जो हैं इस साइड राइट साइड में जो है मूव करें, तो ऐसे जातकों का देखिए जॉब सेक्टर में काफ़ी अच्छा उन्नति होता है दोस्तों, उच्च स्तरीय जॉब सेक्टर में उन्नति होते हैं। कारण तर्जनी उंगली अगर मध्यमा उंगली की तरफ झुकी हो, तो ऐसा हम देख सकते हैं, मैंने अभी तक जितने भी हैंड देखे हैं दोस्तों, 80% हैंड जो है इस टाइप से होते हैं। और ऐसे लोग की जॉब जो है दोस्तों, एक स्थायी क्षेत्र में भी नहीं लगती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, कुछ साइंस हैं इनके हैंड में। स्थायी क्षेत्र मतलब जन्म स्थान में, जैसे ये हुए हैं पैदा, तो जन्म स्थान में जो है इनकी जो जॉब है वो नहीं लगेगी, आउटसाइड की जॉब लगती है दोस्तों ऐसे जातकों का। रहते उच्च स्तरीय हैं, लेकिन आउटसाइड की जॉब्स ज़्यादा लगती है दोस्तों ऐसे लोगों की, और उच्च पद पे आगे अग्रसर हो सकते हैं दोस्तों ऐसे जातक, क्योंकि 80% मैंने जैसा कि बताया गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनका चांसेस बनता है ऐसे जातकों का। फिर बात कर लेंगे दोस्तों बुध पर्वत की। तो इस प्रकार दोस्तों, बुध पर्वत पे खड़ी लाइन है, काफ़ी अच्छा संकेत होता है, एक सीमित एज में उन्नति का संकेत भी होता है। और अगर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, क्रॉस तो कहीं बन नहीं रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छी लाइन है, खड़ी लाइन होती है बुध पर्वत पे, तो काफ़ी अच्छा योग बनता है, एक सीमित एज पे जो है धन अर्जित होता है। लमसम अगर हम कह दें कि कितनी एज पे जो है इनका धन अर्जित होगा, तो ऐसे जातकों का जो है 34 से 35 साल पे भाग्य उच्च स्तरीय होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं शनि पर्वत पे ट्रायंगल। अब ऐसे व्यक्ति दोस्तों, जिनके शनि पर्वत पे ट्रायंगल बनता हो, ऐसे व्यक्ति दोस्तों कोई भी एक काम में महारथी होते हैं, कोई भी एक काम। अब मान लीजिए कोई भी इनके अंदर स्किल होगी, उसके महारथी होंगे दोस्तों ऐसे जातक, जिनके शनि पर्वत पे ट्रायंगल बनता हो, और काफ़ी अच्छे अभिवक्ता होते हैं दोस्तों। अगर ये चाहें, एक तो जॉब जो है उच्च स्तरीय हो सकती है, ऐसे व्यक्ति जो भी करेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ हट के और बड़ा करते हैं ऐसे जातक, और राजनेता के योग भी होते हैं अगर शनि पे चौरस बने दोस्तों। उच्च स्तरीय योग इनके शनि पर्वत पे भी दिखाई देते हैं, और पर्वत देखा जाए तो पर्वत इनका 80% है, मतलब पूर्ण सहयोग इनका पर्वत देता है दोस्तों। और खड़ी लाइनें हैं,
तो ये मल्टीपल अर्निंग सोर्स को दर्शाता है, वो मैं आगे चर्चा करूँगा दोस्तों। अब बात कर लेंगे और ऐसे जातकों का, देखिए आराध्य भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर इनके आराध्य में देखूँ तो भगवान जो होते हैं शिव की, अगर ये ज़्यादा आराधना करें तो काफ़ी अच्छा फल मिलता है दोस्तों ऐसे जातकों को। सूर्य पे देख लेते हैं दोस्तों, खड़ी लाइन है, काफ़ी अच्छा संकेत है, एक लाइन क्रॉस की है। अब ये देखिए, मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बोला था दोस्तों कि बाकी सब तो सर्कल में स्टार्टिंग में बोला था, बाकी सब तो सहयोग देंगे, लेकिन ऐसे जातकों का दिखा गया है दोस्तों इन, ये अगर अभी देखें तो प्रैक्टिकली इनके जीवन में पिता के साथ थोड़ा अनबन नज़र आता है दोस्तों, और लाइफ टाइम जो है पिता के साथ अनबन रहेगा। ये कोई अच्छी चीज़ भी बोलेंगे तो भी पिताजी जो हैं या घर में जैसे बात विवाद कुछ ना कुछ खड़ा होता रहेगा दोस्तों। और मैरिज लाइन, अगर एज मैरिज एज की बात कर लें तो 24 से 25 साल में ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। वो एक दो साल अप डाउन हो सकता है दोस्तों मैरिज लाइन में, किंतु ऐसे जातकों का अधिकतर देखा गया 24 से 25 साल में शादियाँ हो जाती हैं। कारण कि ये जो है ये 50 वर्षीय पे गिना जाता है दोस्तों, इतना भाग मैरिज लाइन का। और इनका जो है इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको हम सेंटर में तो नहीं लेते हैं, इनका थोड़ा आगे है, तो 23 से 24 से 25 ये लास्ट होगा इनका, 24 से 25 की एज में इनकी मैरिज हो गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं धन रेखा की, तो देखिए दोस्तों धन रेखा से एक बिजनेस रेखा भी निकलती है, इस प्रकार बिजनेस रेखा निकलती है या इस प्रकार। किंतु देखिए ये बिजनेस की सोच तो रहे हैं, किंतु अगर कहीं भी ये हाथ डालते हैं सपोज दें, तो ये उच्च स्तरीय, जैसा कि मैंने बताया उच्च स्तरीय रिजल्ट मिलता है दोस्तों। बिजनेस रेखा भी अंदर नज़र आती है दोस्तों इस प्रकार, देखिए ये बिजनेस लाइन हो गई, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का भी ख्याल आता है। किंतु जॉब जॉब जो है, अगर इनको कोई उच्च स्तरीय जॉब मिलती है तो जॉब करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जॉब के साइन काफ़ी बनते नज़र आ रहे हैं इनमें। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, पर्वतों की बात कर ली हमने, अब देखिए ये हर्ट लाइन होती है, हर्ट लाइन भी एकदम क्लियर है, स्मूथ है, त्रिशूल एंगल बना रहा है। अब आराध्य ऐसे लोगों के जो है शिव की आराधना करें तो ज़्यादा पूर्ण जो है परिणाम इनको मिलते नज़र आएंगे दोस्तों। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई है। अब देखिए दोस्तों ऐसे लोगों का जो ये भी रहता है कि जन्म स्थान से परे रह के काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं जिनकी चंद्र रेखा होती है, जैसे इम्पोर्ट हो गया, फिर एक्सपोर्ट हो गया, ऐसे काम में काफ़ी इनको सफलता मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया उच्च स्तरीय राजनेता के योग भी नज़र आते हैं, तो अपने जो इनके जो नियर अबाउट लोग होंगे, जैसे कि इनके समाज में या काफ़ी जो सर्कल में होंगे, उनसे भी ज़्यादा जो है ये विकास कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत की रेखा है तो भाग दौड़ या जो होता है फील्ड की रेखा, बाहरी लोगों से कनेक्टेड ज़्यादा रहेंगे, ये फील्ड की रेखा काफ़ी अच्छी है इनकी। चंद्र पर्वत से भाग्य गया है तो ऐसे लोगों का जो दोस्तों 32 से 34, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 32 से लेकर 36 साल के अंदर इनका जो है भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा बेटर होता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा भाग्य होता है ऐसे लोगों का। और बताएंगे मल्टीपल अर्निंग सोर्स भी भाग्य रेखा से ही आप देख सकते हैं। आप देखिए 34 साल से लेके तकरीबन जो है, इधर से अगर भी प्रिडिक्शन करें तो 52 साल या 55 साल जो है, 52-55 के अंदर अंदर एक अर्निंग सोर्स बनता नज़र आ रहा है। आगे दोस्तों थोड़ा और चलेंगे तो 4 से 5 साल बाद 3 टाइप के अर्निंग सोर्स, और यहाँ मतलब 4 तरीके से जातक आने वाले फ्यूचर में पैसा कमाएगा दोस्तों। कोई ना कोई कारण से, देखिए ये हस्तरेखा जो है कोई ना कोई कारण से आपको जो है कोई लाइन जो है स्थिर पकड़ाई देती है, और कुछ ना कुछ सटीक परिणाम देखने को मिलते ही हैं दोस्तों। कर्म तो प्रधान है ही, किंतु कुछ ना कुछ जो है हमारी किस्मत पे भी रहता है दोस्तों। अब देखिए माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी है, बीच में से हल्की पड़ी है लास्ट में, पर स्टार्टिंग से जो है काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। तो माइंड दोहरी सोच के व्यक्ति नहीं है दोस्तों, जो बोलेंगे सटीक बोलेंगे, जैसा बोलेंगे सटीक करेंगे दोस्तों फ्यूचर में। अब बात कर लेते हैं जीवन रेखा की, तो देखिए दोस्तों जीवन रेखा जो है
लमसम 21 साल से अर्निंग सोर्स ही है, स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, मनी का जो सेविंग है, जो राजलक्ष्मी लोग कहते हैं, कमाई तो सभी की होती है दोस्तों। अब मान लीजिए अगर ये 1 लाख तक भी अगर इनका पेमेंट आता है दोस्तों, तो देखिए 35,000 तो ये खर्च कर देंगे, किंतु 75,000 ये बचा भी लेंगे दोस्तों, या मान लीजिए 50,000 अपनी सेविंग में बचा भी लेंगे और टिकेगा इनके पास धन। किंतु व्यय खर्च भी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसके कारण जाएगा और ह्यूज कमाई भी होगी दोस्तों। ऐसे जातकों की ह्यूज कमाई होती है और जो है अर्निंग सोर्स राजलक्ष्मी योग बनता नज़र आ रहा है। जब से ये स्टार्टिंग से कमाना स्टार्ट किए होंगे, थोड़ी लेट कमाई होती है दोस्तों ऐसे जातकों की, 22-23 से स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों 50 एज तक काफ़ी अच्छा जो है अर्निंग सोर्स इनका बन रहा है। 50 एज के बाद भी जो है काफ़ी बढ़िया जो है कमाई इनके स्थिर आएगी। 52-55 एज तक काफ़ी अच्छा ये धन अर्जित कर लेंगे, फिर वैसे ही चलता रहेगा दोस्तों। अब देखिए एक फिश लाइन बनती है भाग्य रेखा पर इस प्रकार, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत होता है दोस्तों। जिसके हस्तरेखा में फिश लाइन बनती हो, वो अकस्मात रूप से एक टाइम पीरियड के बाद काफ़ी अच्छा धन अर्जित करता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया 52-53 साल में काफ़ी जगह से मल्टीपल अर्निंग सोर्स होगी, और ये फिश लाइन सटीक इधरी बन रही है जहाँ पे ये एंड हो रहा है। लमसम जो है 52-53 पे ये फिश लाइन भी इनके अर्जित हो रही है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा ना उठाए ना दबाए, काफ़ी लमसम में और काफ़ी बेटर है एक तरह से देखा जाए चंद्र पर्वत। और दोस्तों इस प्रकार बात कर लेंगे शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत पे अगर खड़ी लाइन हो, तो अधिकतर ऐसा देखा गया है दोस्तों कि ऐसे जातकों के जो होते हैं पर्सनली जो लाइफ पार्टनर होती है, उनके साथ काफ़ी अच्छा तालमेल नहीं बैठता है इन फ्यूचर। तो ऐसे जातकों को मैं कहना चाहूँगा, कभी भी कोई भी अनबन हो तो संतुलन बनाए रखें और लाइफ को ऐसे ही एक्सप्लेन करते रहें दोस्तों। और हमने तो इनका पूरा पूर्ण हैंड एनालाइज देख लिया है, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और ये पूछ रहे थे जॉब करें या बिजनेस, देखिए सर आपको जॉब भी करना हो, पर यह है कि 100% सक्सेस है आपके हैंड। अब ये आपको चॉइस करना है, जो भी करेंगे उच्च स्तरीय करेंगे आप, आपके हस्तरेखा से पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों।